दिन निकल गया है। दिन की शुरुआत प्यारे से व्यू के साथ। रात को ना नींद ही नहीं आई मुझे, सच बताऊं तो। मे भी हो सकता है नई जगह है इस वजह से, या बेड नया है कॉटेज का, होटल का, जो मर्जी कह लो, तो उस वजह से मे भी यही रीज़न होगा। आ तो बहुत रही थी पर जब सोने लगा तो आई नहीं। तो पहले ना मैं इन चीज़ों पे बड़ा फोकस करता था, फोकस इन द सेंस कि बहुत फील करता था यार रात को नींद नहीं आई। मेरे साथ कई बार होता है ऐसा, तो जैसे कल मैं आपको बता रहा हूँ, कल रात मुझे मैक्सिमम 1 घंटा नींद आई होगी शायद। और पहले मैं काफ़ी सोचता था ये चीज़ों का, अब मैंने सोचना छोड़ दिया कि अगर ऐसा होता तो मैं दिन में नींद पूरी कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती, 4-5 घंटे, 6 घंटे तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं स्ट्रेस नहीं लेता इन चीज़ों का। आपको भी अगर ऐसे होना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, रात को नहीं तो दिन में सोचो क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। रोज रोज इस तरह का मॉर्निंग हो तो किसको अच्छा ना लगे। ये हिल्स, ये वादियाँ, कितने अलग, इतना अलग नहीं रहना चाहिए। एक पाइन कोन मिला है मुझे, ये वाला, ये पता नहीं शायद अभी गिरा होगा या रात को। एक इधर है, एक वहाँ पे रूम के वहाँ पड़ा हुआ, देखता हूँ और मिले तो घूमने पे तो मिल ही जाएंगे, संभाल के रख लेते हैं इसको। एक ये पड़ा है, उधर तो ये भी पड़े हैं पर छोड़ो, इसको रख लेता हूँ मैं, ये यहाँ रख लिए। साइड में बादल हैं, उधर सूरज निकला हुआ है और उधर धूप है, क्लियर है, हर तरीके का मौसम है। बाकी ये आईफोन में नया फीचर आया है अभी iOS 18 में, क्योंकि कल ही नया आईफोन लॉन्च हुआ है, इसमें पॉज करने का है लेकिन कैमरा फ्लिप करने का नहीं है। कैमरा फ्लिप करने का भी होता तो बहुत बढ़िया था। चलो यानी हाँ, जो दिया है नहीं सही है। अभी देखो मौसम कैसा था और अब बारिश वाला हो गया, पहाड़ों में तो ऐसे ही है। अरे बहुत क्या ज़बरदस्त मौसम हो गया, देखो ज़रा पूरे बादल आ गए हैं, इतने नीचे तक आए ना, मज़ेदार बारिश होएगी। अच्छा हो रही है, मैंने नोटिस ही नहीं किया बारिश हो रही है, क्या बात है। बाहर से देखते हैं, ब्यूटीफुल, फुल बारिश हो रही है तेज, दूर देखो कितने बादल आ रहे हैं।
टाइम तो काफ़ी हो गया, 9:15 हो गए, जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। छाता दिख रहा है वो, छाता दे गया है, लगाते हैं लॉक ओल्ड स्टाइल वाला और बारिश में जाते हैं। पहाड़ों में बारिश में काफ़ी साल बाद आया हूँ मैं आज, मतलब इस बार रूम की तरफ वापस जा रहा हूँ मैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज है, रात को घूम नहीं सकते, घूम तो सकते हैं वैसे। मुझे लगता है कि आज का दिन ना ऐसे बारिश नहीं जाएगा, तो कहीं घूमने जाना तो होगा ही नहीं क्योंकि स्लिपरी भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहीं पे रह के आज एंजॉय करता हूँ रेन को, रेनी वेदर को और जो हो रहा है उसको, क्योंकि जैसे आपको बता ही रहा हूँ कि बारिश हो रही है। और जिस जगह पे मेरा ये होटल है, कॉटेज जो बना हुआ है, तो यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल जब आए हैं तब भी काफ़ी मतलब सारा रास्ता ही टूटा हुआ था और बड़ी मुश्किल से कार आई थी यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक कि आज कहीं जा पाऊँगा मैं। और वैसे भी कार यहाँ पे बुला के थोड़ा रिस्की भी है, जो मुझे यहाँ मतलब कॉटेज वालों ने बताया कि थोड़ा सा रिस्की है इस वक्त क्योंकि रास्ता ख़राब है, बाकी देखते हैं, अभी तो यहीं बैठे हैं। ऐसे करता हूँ मैं कुछ चेंज तो क्या करना है ना, लाइट कहाँ से जलती रही,
चेंज उनको क्या करना, ऐसे ही करते हैं, इसको कर लेता हूँ बंद, ये ओपन कर लेता हूँ, विंडो सी है बनी हुई एंड बैठते हैं यहीं पे। शूज़ उतार लेता हूँ अपना, शूज़ अभी ज़रूरत तो है नहीं बिकॉज जब अंदर ही बैठना है तो शूज़ करना क्या है। मेरे को स्लीपर्स लेके आनी चाहिए थी, मैं वो लेके नहीं आया। यानी वो सॉक्स सूखी हैं, पहले गीली हुई थी। चलो अंदर ही बैठते हैं और देखते हैं क्या करना है। ऐसे करता हूँ मैं, कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। लैपटॉप लाने का यही फ़ायदा है। पहले तो मैं सोचा था मैं लेके ही ना आऊँ, बट ले आया, ठीक किया। कि ना आया होता तो मैं बोर भी हो जाता रात को, जैसे मैंने आपको बताया रात को मुझे नींद नहीं आई थी। चलो बोर तो नहीं होता, बट एटलीस्ट ये है कि एडिटिंग वगैरह करने का हो गया। और बाकी एप्पल का जो शो है वो देखा, आधा इस पे देखा आधा फ़ोन पे देखा, 16 सीरीज़ का। खैर मैं हर साल बोलता हूँ पहले ले ला ली, पर लूँगा तो फिर भी पता ही हो जाए। पर देखते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं इस बार, ये कुछ नहीं कह सकता, देखता थोड़ा ज़्यादा हो गया। ये एडिटिंग व्यू सामने रजाई ली हुई है, लैपटॉप ऑन करके ऐसे करके होगी आज तो एडिटिंग। मुझे सामने आपको धुआं नज़र आ रहा है ना, वो धुआं नहीं है, वो एक्चुअल में बादल है। वो नीचे से पता नहीं ऊपर से कहाँ से आ रहे हैं, वो देखो वो पीछे से भी नज़र आ रहे हैं, कहाँ के इसमें से दिख नहीं रहा, अदरवाइज ये बादल है ये। तो देखो कितने मतलब पहाड़ों के बीच में से आ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे नीचे धुआं हो। कैसे बादल आ रहे हैं, मेरे लिए ना पहला एक्सपीरियंस है ये वाला। मतलब इतना ऐसे लग रहा है नीचे, बट खैर मैं भी तो माउंटेन के ऊपर हूँ और माउंटेन साइड पे हूँ, नॉट माउंटेन। पूरे धुंध की तरह ना ढक गया है, मगर ये सारे बादल हैं। अभी यहाँ से इकट्ठे होके जा रहे हैं और आगे जाके बरसात करेंगे। ये ना जैसे राज मूवी नहीं थी, राज वन, उसके जैसी फीलिंग आ रही थी। अब धूप निकली है और साफ एकदम। बस आज इतना ही था, आज कुछ नहीं खास नहीं किया। आज बस ये लगा लो कि दिन में सिर्फ यहीं जो कॉटेज है वहीं टाइम स्पेंड किया है और यहीं घूमे हैं, बारिश इन्जॉय करी, खाया पिए, मज़े किए हैं, यहीं वॉक करी है, आज सारा दिन यही किया। लोग अक्सर कसौली में आते हैं ये मॉन्की पॉइंट और चर्च वगैरह देखने, तो मन तो मेरा भी था फर्स्ट डे जब आया था देख लेता, बट फिर मैं गया नहीं। मैं यहाँ पे नेचर को इन्जॉय करने आया था और अलोन टाइम स्पेंड करने आया था, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अब तक किया है। कोई जो किल कैट दिखाई थी, इसको लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया हूँ। ये कल से पीछे पीछे घूम रही है, अभी ये रूम के बाहर ही आके बैठ गई। माओ बिल्ली यही है मेरे पास, बस यही था मेरा एक छोटा सा स्टे यहाँ पे। और मैं इस प्लेस को कर रहा हूँ बाय और जाने लगा हूँ अपने घर। इनिशियली वैसे मैं जब आया था तो 3 nights and 4 days का स्टे था मेरा यहाँ, मगर कुछ रीज़न की वजह से मुझे ये एक दिन कम करना पड़ा और 2 nights रह के और 3rd day मुझे वापस जाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि लोग यहाँ अक्सर चर्च और बाकी जो स्पॉट्स हैं वो देखने के लिए आते हैं, बट मेन रीज़न तो सबका यही होता है कि नेचर को एंजॉय करना। और वैसे लोग मेनली बाज़ार और सब जगह घूमने आते हैं, तो मेरा तो नेचर का था, वो बहुत अच्छे से मुझे स्पेंड किया मैंने। और बस ये 3 videos का एक सीरीज थी, शॉर्ट सी।
अगर आपको इस तरह की वीडियोस और ऐसी सीरीज और चाहिए तो आप लाइक ज़रूर करो, कमेंट भी करना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना, एंड कमेंट में मुझे बताना कि आपको ये तीन वीडियो की सीरीज़ कैसी लगी। एंड आई प्रॉमिस कि आगे जब भी मैं कहीं गया तो इस तरह के वीडियोस और बताऊंगा और थोड़ी सी जगह और एक्सप्लोर करूंगा। ज़रूरी नहीं है कि वही मेन जगह ही घूमना जहाँ सारे जाते हैं, उसके बाद में यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहें होती हैं। तो एनी हाउ, अब मैं अपने घर के लिए वापस चल पड़ा हूँ, एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।